तो अगर हम किसी भी विंडोज 10 के अंदर ये जानना चाह रहे हैं कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम सिस्टम में जाके और यहाँ से अबाउट को ओपन कर लेंगे और ये हमें वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि ये बता रहा है डिवाइस नेम, जब मैंने इसके अंदर ये विंडोज 10 इंस्टॉल किया था तो मैंने अपने लैपटॉप का नाम रखा था राशिद लैपटॉप लेनोवो। मतलब ये नाम कौन सा होता है? ये नाम वही होता है जब आप अपने मोबाइल फोन का नाम रखते हैं जब आप उसको ब्लूटूथ पे शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर नेम। ठीक है, ब्रांड चाहे जो भी है, सॉफ्टवेयर नेम ये है, जब भी नेटवर्क पर शेयरिंग होगी तो ये वाला फीचर आपको हेल्प करेगा। उसके नीचे माइक्रो प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा हुआ है, यानी कि इसके काम करने की रफ्तार, इसका ब्रेन, जो इसके अंदर मेन प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जनरेशन, इसकी स्पीड का हमें पता चलता है, तो वो है इंटेल कोर i5। और आगे मॉडल में अगर पहले 3 आ रहा है तो ये थर्ड जनरेशन है, और अगर यहाँ 4 आता तो 4 जनरेशन है, अगर यहाँ 5 आता तो 5 जनरेशन है, और यहाँ पे 3 डिजिट में कोई भी नंबर होता तो ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, तो ये हमारा है कोर i5 थर्ड जनरेशन, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ इसकी काम करने की सलाहियत है, स्पीड है। 8GB इसके अंदर रैम लगी हुई है जिसमें से 7.70 यूजेबल है, और डिवाइस आईडी ये है। और नीचे आते हैं तो हमें बता रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो है विंडोज 10 प्रो, और कब इंस्टॉल किया गया था, 24 अक्टूबर 2022 को, और इसका वर्जन कौन सा है, 22H2, और OS बिल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड नंबर इसका कौन सा है, 19045.4529। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली यहां से मिल जाती है, मतलब किसी भी डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर को खोलेंगे और उसके अंदर जाके आप ये इंफॉर्मेशन इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कहां गए थे हम, दोबारा से देख लें, स्टार्ट सेटिंग्स सिस्टम्स, और सिस्टम में जाने के बाद यहां से क्लिक करेंगे आप अबाउट सेक्शन पर और आपको ये सारी डिटेल यहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो यही